कैसे हैं आप सभी। मैं परिणीता नामदेव आज न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, विलयन सॉल्यूशन। आज हम समझेंगे कि विलयन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और सांद्रता के आधार पर कैसे होता है, सब कुछ। ठीक है, अब पहले बात करते हैं अपन विलयन की। विलयन होता क्या है? चैप्टर का नाम ही विलयन है और आप सब भी जैसे जानते हैं कि विलयन अर्थात द्रव, लिक्विड या सॉल्यूशन किसी का। ठीक है, तो हम बात करते हैं विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय हो और विलायक हो, ये तो आपकी बात होगी, या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। या मैं बोलूं कि विलय और विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब आप बोलोगे वो तो समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण, लेकिन ये विलय और विलायक क्या है? तो विलय अर्थात जिसको कम मात्रा ली जाती है, या फिर जिसको मिला विलय एक ऐसा पदार्थ जो कम मात्रा में लिया जाता है। ठीक है, जैसे शक्कर, और विलायक जिसको अधिक मात्रा में लिया जाता है, या जिसको कम मात्रा में घोलना हो वो विलय, और जिसको ज्यादा मात्रा में घोलना हो विलय, या फिर जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक। ठीक है, जिसको घोला जा रहा है वो विलायक, और जिसको घोलना है वो विलय। क्या बोला? जिसको घोलना है वो विलय, और जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक, या जो कम मात्रा में है विलय, और जो अधिक मात्रा में है विलायक। ठीक है, तो समझ में आया विलय क्या है, विलायक क्या है। विलय मतलब कम मात्रा, विलायक मतलब अधिक मात्रा। तो विलय और विलायक दोनों के मिलने से बनता है विलयन। अब विलयन जो है इसके अवयव होते हैं, एक होता है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन मतलब जो दो अवयवों से मिलकर बना हो, मतलब शक्कर और पानी, ये हो गया द्विअंगी विलयन। नमक और पानी हो गया द्विअंगी विलयन। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिअंगी विलयन की। तो त्रिअंगी विलयन मतलब जिसमें तीन अवयव मिले हो, जैसे नमक भी ले लो, शक्कर भी ले लो, पानी भी ले लो, ये हो गया त्रिअंगी विलयन। नींबू भी ले लो, शक्कर भी ले लो, पानी भी ले लो, ये हो गया त्रिअंगी विलयन। मतलब जिसमें तीन अवयव हो वो होता है त्रिअंगी, और जिसमें दो अवयव हो वो होगा द्विअंगी विलयन। अब अपन बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। विलयन है सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये जो डिपेंड करता है, ये संगठन पर डिपेंड करता है, संगठन के आधार पर निर्भर करता है, संगठन पर निर्भर करता है, तो वो होगा विलयन का महत्व। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, ये तीन प्रकार का होता है। कोई भी विलयन है, जरूरी नहीं है कि विलयन पानी के रूप में हो, द्रव के रूप में हो, जी नहीं, ये गैस के रूप में भी हो सकता है और ठोस के रूप में भी हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप है गैसीय, सेकंड टाइप है द्रव या फिर लिक्विड, और थर्ड टाइप है ठोस या फिर सॉलिड। ठीक है, अगर आप गैस में गैस को मिलाते हो तो क्या ये विलयन नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, एक समांगी मिश्रण बना रहे हैं। तो ये गैस में गैस को मिलाया तो ये होगा गैसीय। ठीक है, अब अगर आप द्रव में द्रव को मिला दो, या आपके पास पानी था, पानी में आप कोई सा सॉल्यूशन और डाल दो, एस्टिल डाल दो, एस्टिल लिक्विड फॉर्म में है, तो वो भी क्या होगा, द्रव विलयन। अब ठोस की बात करते हैं, आपने पत्थर लिए और आपने उसमें रेत भी मिला दिया, तो ठोस में ठोस का विलयन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि विलयन मतलब द्रव पदार्थ ही हो। तो तीन प्रकार है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब अपन बात करते हैं गैस की। अगर आप गैस में गैस को मिलाते हैं तो वायु, वायु क्या है, गैसीय विलयन है। ठीक है, अगर आप गैस में द्रव वाष्प को मिला दें, मतलब क्या बन जाएगा, जल वाष्प बन जाएगी। आप पानी को गर्म करते हैं, बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, भाप निकलती है, तो वो क्या है, जल वाष्प। फिर आता है अगर आप गैस में ठोस को मिला दो, कपूर या नेफ्थलीन, ठीक है, वो क्या होता है, उद्गमपातित हो जाता है गैस के रूप में, और रहता कैसा है, ठोस। तो अगर आप गैस में गैस को मिलाते हो, मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल वायु। अगर आप गैस में द्रव को मिलाते हो तो बेस्ट एग्जांपल होगा जल वाष्प, वेपर। ठीक है, और अगर आप गैस में ठोस को मिलाते हो तो कपूर, नेफ्थलीन। ये था आपका गैसीय विलयन। अब सेकेंड टाइप की बात करते हैं, ठोस विलयन। ठोस विलयन या, ठीक है, ठोस नाम ले दिया तो पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अगर आप ठोस में गैस को मिलाते हो तो हाइड्रोजन पैलेडियम का अधिशोषण, ये बेस्ट एग्जांपल होगा। ठोस
होता है गैस होती है, ठीक है। सोडा वाटर वो क्या होगा, द्रव में गैस, ठीक है। फिर द्रव में द्रव एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, द्रव है, आपने उसमें पानी मिला दिया तो वो भी क्या होगा, द्रव में द्रव का विलयन। फिर आता है आपका द्रव में ठोस, ठीक है, पानी लो और शक्कर ले लो तो वो किसका विलयन होगा, द्रव में ठोस का विलयन। तो आपको तीनों टाइप समझना है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। अगर हम गैस में गैस को मिलाते हैं, गैस में द्रव को मिलाते हैं, या द्रव में ठोस को मिलाते हैं, गैस में ठोस को मिलाते हैं, सारे टाइप से बता दिए हैं। अब अपन बात करते हैं सांद्रता के आधार पर, ठीक है, विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के कैसे प्रकार होते हैं, सबसे पहले आपने दो शब्द सुने होंगे जब भी आप लैब में गए होंगे या आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपके सामने कोई आता है, ठीक है। तो इसमें आता है तनु विलयन, फर्स्ट तनु विलयन मतलब डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट को बोलते हैं तनु। तनु का मतलब होता है जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो, या नहीं याद रहे तो सिंपल सी बात है, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो वो क्या होगा, तनु, ठीक है, जिसमें ज्यादा पानी है वो तनु, जिसमें विलायक ज्यादा है तो विलायक क्या होता है, सबसे बेस्ट जल, ठीक है। तो जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है विलय की तुलना में वो क्या कहलाता है, तनु विलयन। अब बात करते हैं अपन सांद्र विलयन की। सांद्र विलयन मतलब जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा कम, मतलब पानी की मात्रा कम हो और एसिड की मात्रा ज्यादा, वो क्या होगा, सांद्र, ठीक है, मतलब विलय की मात्रा अधिक और विलायक की कम, विलय अधिक विलायक कम, सांद्र, विलायक अधिक विलय कम, तनु, क्लियर। अब बात करते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन। आपको भूख लगी है, आपने खाना खा लिया, आप संतृप्त हो गए, तो ऐसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर अपनी क्रिया करता है, एक निश्चित ताप पर बनता है, वो होता है संतृप्त विलयन, ठीक है। फिर असंतृप्त विलयन, जो कि असंतृप्त विलयन क्या होगा, जो संतृप्त नहीं है, आपने खाना खाया लेकिन फिर भी आपको भूख लग रही है तो आप क्या होंगे, असंतृप्त होंगे। आपने नींबू पानी मंगाया है, आपने उसमें शुगर घोल ली आपको जितनी घोलना थी, लेकिन अब आप और घोलना चाहते हो तो और घुल जाएगी, समझ में आई बात। आपने नींबू पानी बनाया है, आपने आपको लगता है कि मेरे को एक चम्मच शक्कर घोलना चाहिए थी, वो घुल गई, लेकिन आपको लगता है मेरे को एक और चम्मच को शक्कर का घुलना चाहिए, वो भी घुल गई, और डाला और घुल गई, तो वो क्या होगा, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं अति संतृप्त, ऐसा विलयन जो संतृप्त विलयन की तुलना में और अधिक मात्रा घोली जा सके, किसकी तुलना में, संतृप्त की तुलना में और अधिक मात्रा घोली जा सके, वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको बताया विलयन क्या है, विलय और विलायक का मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है, और ये इसका क्या है, संघटन पर निर्भर करता है, उसके टाइप देखे हमने कि गैस रूप में, द्रव रूप में, ठोस रूप में होता है। गैस में गैस होगा तो क्या होगा, गैस में ठोस होगा तो क्या होगा, गैस में द्रव होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन की। फिर मैंने उसके तनु के, सांद्र का, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त बताया। तनु मतलब विलायक ज्यादा, सांद्र मतलब विलायक कम, सिंपल भाषा में बताती हूँ आपको, जिसमें विलायक ज्यादा तनु, विलायक कम सांद्र, या विलय कम तनु, विलय ज्यादा सांद्र, आप जैसे समझना चाहे। संतृप्त निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा घोली जा सके, संतृप्त, असंतृप्त और मात्रा घोल सकते हैं जिसमें, जो संतृप्त नहीं हो रहा है, अति संतृप्त, संतृप्त विलयन की तुलना में और अधिक मात्रा घोली जा सके, अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने देखे इसके प्रकार सांद्रता के आधार पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंचते रहे। आप कमेंट करके बताइए कि आप मुझसे और क्या चाहते हैं, इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए कमेंट करके बताइए। थैंक यू।
हाँ जी।